episode 6, Genuinely Filthy. जैसे ही समीर ने जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, वो सांप भी उस पर झपट पड़ा। इस मंजर को देखकर शालिनी का दिल दहल गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मगर इससे पहले कि वो सांप समीर तक पहुंच पाता, बीच हवा में ही एक नेवले ने उसको दबोच लिया। समीर अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका था और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सांप और नेवले के बीच जंग छिड़ चुकी थी। हालांकि वो सांप आकार में उस नेवले से बहुत बड़ा था, मगर नेवले की फुर्ती के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो नेवला उसके हर एक वार को नाकाम कर रहा था और साथ ही अपने पैने दांतों और नाखूनों से उसको नोच भी रहा था। समीर और उसके दोस्त वहीं खड़े होकर उनके लड़ाई को देख रहे थे। तकरीबन आधे घंटे की लड़ाई के बाद वो नाग बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके पूरे बदन पे उस नेवले के दांतों और नाखूनों के निशान देख रहे थे, जिनमें से खून बह रहा था। आखिर में वो सांप हार मान कर वहाँ से जाने लगा और तभी उस नेवले ने झपट कर उसके सिर पर वार कर दिया। देखते ही देखते उस नेवले ने फुर्ती के साथ उस सांप के सिर को धड़ से अलग कर दिया। थोड़ी देर तक छटपटाने के बाद वो सांप शांत हो गया और फिर वो नेवला उसको खींचते हुए वहाँ से ले गया। उसके बाद शालिनी समीर से आकर लिपट गई और रोते हुए उससे कहा, तुम कभी किसी की बात नहीं सुनते। वंदना ने तुम्हें उस झाड़ी के पास जाने से मना किया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? समीर ने शालिनी के आंसू पोंछते हुए कहा, अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम ये बच्चों की तरह रोना बंद करो। नहीं, पहले तुम ये प्रॉमिस करो कि अब आगे से फिर कभी हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। अच्छा बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ, समीर ने शालिनी के माथे को चूमते हुए कहा। सब लोग वापस कैंप फायर के पास आकर बैठ गए, मगर अब वो लोग पहले की तरह हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। इतना सब कुछ घटने के बाद समीर को छोड़कर बाकी सारे लोग सहमे हुए से थे। समीर ने अपना मोबाइल निकाल कर देखते हुए कहा, बहुत रात हो चुकी है, हम लोगों को अब सो जाना चाहिए। समीर की बात सुनकर सब लोग अपने टेंट में चले गए। रिया, शालिनी और वंदना एक टेंट में थे और समीर और नितिन दूसरे में। थकान की वजह से उन लोगों को लेटते ही नींद आ गई। सुबह के 6 बज रहे थे और जंगल में चारों तरफ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी। नितिन नींद से जाग गया था और फिर उसने अपने टेंट से निकलकर चारों तरफ देखा और अंगड़ाई लेते हुए कहा, सच में जंगल की ताज़ी हवा हमारे शहर की पोल्यूटेड हवा से बिल्कुल अलग है। इस हवा में सांस लेना ताजगी का एहसास दे रही है। नितिन ने एक लंबी सांस ली और कैंप फायर के पास आकर बैठ गया, जो हालांकि बुझ चुकी थी पर उससे अब भी धुआं निकल रहा था। उसने पास से कुछ लकड़ियाँ उठाई और कैंप फायर को वापस जलाने लगा। बाकी के लोग भी तब तक जाग चुके थे और वो लोग आकर कैंप फायर के पास बैठ गए। सब लोग चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। समीर कुछ देर तक चुप रहा और फिर उसने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, क्या हुआ यार, सब लोग इतने चुप क्यों है? वो दरअसल समीर, शालिनी घबराती हुई बोली। हाँ शालिनी, बोलो क्या बात है? वो दरअसल कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम में से कोई भी, शालिनी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि समीर ने उसे टोकते हुए कहा, देखो शालिनी, अगर तुम वापस जाने की बात बोलना चाहती हो तो मैं ये बात पहले ही बोल देता हूँ कि मैं इस जंगल को पूरी तरह से एक्सप्लोर किए बिना वापस नहीं जाने वाला। हाँ, अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो बेशक जा सकती हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड समीर, क्या तुम कल रात वाली इंसिडेंट भूल गए? नहीं, मुझे अच्छे से याद है, बट इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग जंगल में हैं और जंगल में तो सांप और नेवले ही मिलेंगे। समीर की बात खत्म होते ही प्रिया बोल पड़ी, वी नो, बट देट डजेंट सीम टू बी एनी नॉर्मल स्नेक। क्या तुमने उसके फुफकारने की आवाज़ नहीं सुनी थी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तुमने उसका सिर पत्थर से कुचल दिया था तो फिर वो वापस जिंदा कैसे हो गई? ओह कम ऑन प्रिया, गवारो जैसी बातें मत करो। हो सकता है कि उसका सिर पत्थर के नीचे ना कुचला हो और वो बच निकली हो, और मे बी वो शायद कोई और सांप हो। समीर की बात सुनकर शालिनी ने कहा, चाहे जो भी हो बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकना सेफ है। पता नहीं आगे और किस तरह के भयानक जानवर हैं। इस बार समीर ने शालिनी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप बैठकर कुछ सोच रहा था। काफ़ी देर तक सोचने के बाद समीर ने कहा,
ओके चलो एक काम करते हैं, हम लोग उसी जगह चलते हैं जहाँ मैंने उस सांप को मारा था। अगर मेरी बात सच हुई तो हम अपना ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे। मतलब? शालिनी ने पूछा। मतलब अगर हमें इस बात का क्लू मिला कि मेरे वार करने के बाद उस सांप के बच निकलने के चांसेस थे तो हम वापस नहीं जाएंगे, और अगर ऐसा कोई क्लू नहीं मिला तो? इस बार प्रिया ने समीर से पूछा। अगर ऐसा कोई क्लू नहीं मिला तो मैं तुम लोगों को वापस जाने वाली बस स्टॉप तक छोड़ कर आऊँगा, समीर की बात सुनकर शालिनी ने कहा। समीर दिस इज़ नॉट फेयर, तुम जानते हो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाने वाली, ये सब बातें छोड़ो और ये बोलो कि तुम लोग मेरे साथ आ रहे हो या नहीं, समीर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। थोड़ी ही देर में समीर और उसके दोस्त उसी जगह में आ चुके थे जहाँ पिछली रात प्रिया पे सांप ने हमला किया था। वहाँ वो पत्थर और पेड़ की डाली अब भी वैसे ही पड़े हुए थे, मगर वहाँ सांप की लाश नहीं थी। ये देखकर वंदना ने कहा, देखा हमने कहा था ना कि वो यही सांप था। इस पर समीर ने जवाब दिया, हाँ देख लिया, पर अभी ये प्रूफ होना बाकी है कि वो सांप मरने के बाद वापस जिंदा हुआ था। इतना कहते हुए समीर वहाँ पड़े पत्थर के और पास आ गया। उसने नीचे झुक कर देखा और पाया कि उसने जो पत्थर सांप के ऊपर पटका था वो पेड़ की उस डाली में अटक गया था, जिससे नितिन ने सांप के सिर को दबा कर रखा था। ये देखने के बाद उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग भी आकर देख लो। प्रिया, वंदना, शालिनी और नितिन सब लोग समीर के पास आ गए और उस पत्थर को देखने लगे। इसके बाद प्रिया ने कहा, अरे हाँ यार, ये पत्थर तो जमीन से टच हुआ ही नहीं, फिर भला वो सांप कैसे मरता? प्रिया के साथ शालिनी ने कहा, हाँ सही बोला तूने, इससे तो वो सांप बड़ी आसानी से बच सकता है। हम लोग पूरी रात खामखा डर रहे थे, प्रिया ने कहा। सब गलती इस वंदना की है, हम लोग कल रात उस इंसिडेंट को लेकर वैसे ही घबराए हुए थे, ऊपर से इसने अपनी बातों से हमें और ज़्यादा डरा दिया, शालिनी ने कहा। उन लोगों की बातें सुनते हुए नितिन ने कहा, अरे समीर 8 बज रहे हैं, अगर हम लोग जल्दी नहीं निकले तो बस मिस हो जाएगी। ये सुनकर प्रिया ने चिढ़ते हुए कहा, रहने भी दो, वी एक्सेप्ट कि हमसे गलती हुई है, बट डेट डजेंट मीन कि तुम हमारा मजाक उड़ाओ। इतने में समीर हंसते हुए कहा, अरे कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, बट सीरियसली क्या तुम लोग अभी वापस जाना चाहती हो? नो, हम यहीं रुकेंगे और अपना ट्रैकिंग पूरा करके ही जाएंगे, प्रिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। इतने में शालिनी समीर के पास आकर उसका हक करती हुई बोली, हाँ समीर, हम लोग साथ में यहाँ आए थे और साथ में ही वापस जाएंगे, एंड वी प्रॉमिस कि आगे से हम लोग फिर कभी वंदना की बात नहीं सुनेंगे। सब लोग वापस कैंपिंग साइट में आ चुके थे और शालिनी सबके लिए कॉफ़ी बना रही थी। नितिन और प्रिया एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे और समीर अपने कैमरे में उस जंगल की खूबसूरती को कैद कर रहा था। वंदना वहीं शालिनी के पास बैठी थी और बार बार किसी को कॉल कर रही थी। काफ़ी देर तक ट्राई करने के बाद वंदना गुस्से में बोली, क्या यार, और मोबाइल को ज़मीन पर पटक दिया। ये देखकर शालिनी ने वंदना से कहा, अरे अब तुझे क्या हुआ, किसका गुस्सा इस बेचारे फ़ोन पे निकाल रही हो? यार कब से मम्मी पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ पर लग ही नहीं रहा। अरे इतनी सी बात पे इतना गुस्सा, एक काम कर, ये ले मेरा फ़ोन ट्राई करके देख, शायद लग जाए, कहते हुए शालिनी ने अपना फ़ोन वंदना को दे दिया। 2-3 बार ट्राई करने के बाद फ़ोन लग गया और वंदना अपनी माँ से बातें करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद वंदना ने फ़ोन रख दिया और वापस अपने दोस्तों के पास आकर बैठ गई। शालिनी ने वंदना से पूछा, हो गई मम्मी पापा से बात? हाँ, थैंक्स यार, वंदना ने शालिनी को फ़ोन वापस देते हुए कहा। सभी दोस्त एक साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे। शालिनी ने बातें करते हुए समीर से कहा, समीर चलो ना हम आसपास थोड़ा घूम कर आते हैं। पर हमें आगे भी तो जाना है, समीर ने कहा। आगे थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, अभी यहाँ थोड़ा घूम लेते हैं। वैसे भी कल हमने यहाँ अंधेरा होने के बाद कैंप लगाया था और ऊपर से वो सांप, इन चीज़ों के चक्कर में हमने इस जगह को एक्सप्लोर भी नहीं किया। वो सब तो ठीक है शालिनी, लेकिन अगर ज़्यादा देर हो गई तो हमें आज की रात भी यही गुजारना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ एक रात और गुजार लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी हम लोग जंगल घूमने का प्लान बनाकर आए थे और ये भी तो जंगल ही है। उन दोनों की बातें सुनते हुए नितिन बीच में बोल पड़ा, अरे भाई ठीक ही तो बोल रही है शालिनी, वैसे भी रोज़ रोज़ टेंट लगाने और खोलने के झंझट से अच्छा है हम यहाँ एक दिन और रुक जाते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। नितिन की बात सुनकर समीर ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर मान गया।
कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद सभी दोस्त वहाँ से निकल पड़े। सब लोग उस जंगल की खूबसूरती का आनंद उठा रहे थे और समीर अपने कैमरे से उस जंगल की खूबसूरती को कैद कर रहा था। जंगल में घूमते हुए उन लोगों को वक्त का कोई होश ही नहीं रहा। शाम के 4 बजने वाले थे और सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था। वंदना ने अपना मोबाइल निकाल कर देखते हुए कहा, यार और कितना घूमोगे, 4 बज रहे हैं और अंधेरा होने वाला है। पता नहीं हम लोग कितनी दूर आ गए हैं, चलो वापस अपने कैंप साइट पर चलते हैं। वंदना की बात सुनकर समीर ने अपने मोबाइल में देखते हुए कहा, अरे हाँ यार सच में 4 बज रहे हैं, चलो हम लोग वापस चलते हैं। समीर की बात सुनकर सब लोग वापस कैंप की तरफ आने लगे। वो लोग कुछ दूर ही आए थे कि अचानक से शालिनी किसी आवाज़ को सुनकर रुक गई। शालिनी को इस तरह से अचानक रुकता देख समीर ने उसके पास आकर पूछा, क्या हुआ शालिनी, तुम अचानक से रुक गई? जल्दी चलो, हमें बहुत दूर जाना है और अगर तुम ऐसे रुक रुक कर चलती रही तो यहीं रात हो जाएगी। समीर की बात सुनकर शालिनी वापस चलने लगी। अभी वो लोग कुछ कदम ही चले थे कि शालिनी दोबारा रुक गई और उसने अपने दोस्तों से कहा, गाइस तुम लोगों ने सुना? क्या? नितिन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे ध्यान से सुनो ना, लग रहा है यहाँ आसपास कोई जानवर है, पर हमें तो किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं आई, प्रिया ने कहा। प्रिया ने बस इतना कहा ही था कि इस बार सबको वो आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वंदना घबराती हुई बोली, ये कैसी आवाज़ थी? आवाज़ तो बिल्ली जैसी लग रही है, पर इस घने जंगल में बिल्ली कहाँ से आएगी? प्रिया ने कहा। आवाज़ तो बहुत करीब से आ रही है, मगर यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा, नितिन ने अपने आसपास देखते हुए कहा। तभी अचानक उनको पेड़ के ऊपर हलचल महसूस हुई और समीर अपनी नज़रें उठाकर ऊपर पेड़ों में देखने लगा। थोड़ी देर की मेहनत के बाद शालिनी ने एक पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, समीर वो दिखो उस पेड़ के ऊपर। ये सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगे। पेड़ के ऊपर दो आंखें चमकती हुई दिख रही थी। उन आंखों को देखकर समीर ने कहा, यार अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। तभी अचानक से वो जानवर दूसरे पेड़ की तरफ कूदता हुआ चला गया और वंदना ने कहा, ये तो तेंदुए जैसा लग रहा है। गाइस हमें यहाँ से चलना चाहिए, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर सब लोग तेज कदमों के साथ वहाँ से जाने लगे और उनके साथ वो जानवर भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदता हुआ उनका पीछा कर रहा था। सब लोग पेड़ के ऊपर हो रहे हलचल को सुनकर घबराए हुए थे और जल्द से जल्द अपने कैंपिंग साइट तक पहुंचना चाहते थे। थोड़ी देर बाद ही उन लोगों को अपना टेंट दिखने लगा और समीर ने कहा, गाइस रन। ये सुनते ही सब लोगों ने दौड़ लगा दी। वो लोग कैंप तक पहुंचने ही वाले थे कि अचानक ही शालिनी पत्थर पर ठोकर खाकर नीचे ज़मीन पर गिर पड़ी। आह! शालिनी की चीख सुनकर प्रिया रुक गई और उसको उठाने लगी, मगर शालिनी अपना पैर हिला नहीं पा रही थी। ठोकर लगने की वजह से उसके पैरों में मोच आ गई थी। जब प्रिया से शालिनी उठ नहीं रही थी तो उसने समीर को आवाज़ लगाई, समीर जल्दी से शालिनी को उठाने में मेरी हेल्प करो। समीर, नितिन और वंदना कैंप तक पहुँच चुके थे। प्रिया की आवाज़ सुनकर समीर उनके पास जाने लगा, मगर इससे पहले कि वो उन तक पहुँच पाता, एक बड़ा सा जानवर पेड़ से कूदकर उन लोगों के बीच आ गया। उसको देखकर समीर के कदम जगह पर ही रुक गए और प्रिया और शालिनी डर के मारे चीखते हुए एक दूसरे से लिपट गई। वो जानवर बहुत ही बड़ा था। दिखने में तो वो तेंदुए और शेर का मिला हुआ रूप लग रहा था, पर उसकी पूंछ छोटी थी और उसके कान लंबे थे। उसकी आवाज़ किसी गुस्सेल बिल्ली जैसी थी और उसकी आंखें अंधेरे में बल्ब जैसे जल रही थी। वो जानवर वहां खड़े प्रिया और शालिनी को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को घूरता है। धीरे धीरे वो उन दोनों के चक्कर लगाने लगा। ये देखकर शालिनी ने रोते हुए कहा, समीर प्लीज डू समथिंग, हमें बचाओ, और अपनी जगह से उठने लगी। शालिनी के ऐसा करते ही वो जानवर भी उसकी तरफ बढ़ने लगा और समीर ने चीखते हुए कहा, शालिनी डोंट मूव, चुपचाप अपनी जगह पे बैठी रहो, अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो ये तुम पर हमला कर देगा। ये सुनकर शालिनी वापस अपनी जगह पे बैठ गई। प्रिया और शालिनी बेबस मौत के सामने बैठे हुए थे और बाकियों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उनको बचाए। क्या होने वाला है प्रिया और शालिनी का,
क्या वो इस जंगली बिल्ली का शिकार बनने वाले हैं? क्या समीर अपने दोस्तों को बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मोहिनी।